गांव में आधारभूत संरचना के अभाव को देखते हुए सरकार के निर्देशों के अनुरूप मॉडल गांव को विकसित करने की कोशिश की जा रही है। चयनित मॉडल गांव में जरूरत के हिसाब से आधारभूत संरचना के निर्माण से गांव की सूरत बदल गई है। जनपद भदोही में कई गांवों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने के लिए चयनित किया गया। मॉडल गांव के रूप में चयनित गांव में जीवन के लिए जरूरी मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया, जिससे कि ग्रामीणों के जीवन में बदलाव आ सके और शहरों की ओर पलायन रुक सके। ग्राम पंचायतों के माध्यम से विकास के तमाम कार्य कराए जा रहे हैं और यह कॉन्सेप्ट लेकर चला जा रहा है कि ग्राम मॉडल ग्राम के रूप में विकसित हों। इसके अंतर्गत जो आधारभूत संरचनाएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उनको मजबूत करने के लिए जैसे विद्यालय भवन हैं, पंचायत भवन हैं, आंगनबाड़ी केंद्र हैं, इनका सुदृढ़ीकरण, नवनिर्माण, विद्यालय, पंचायत भवन और आंगनबाड़ी केंद्रों पर शौचालय की सुविधा, पेयजल की व्यवस्था, इसके साथ साथ जल संरक्षण के लिए तालाबों की खुदाई, गहरीकरण, सिंचाई की सुविधा के लिए मनरेगा के कन्वर्जन से नालियों का सुदृढ़ीकरण, नालों का निर्माण, रास्तों का निर्माण, ये कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से करवाए जा रहे हैं जनपद में। जनपद भदोही में यूं तो कई गांवों को मॉडल गांव के रूप में विकसित किया गया है, लेकिन आज हम चल रहे हैं विकास क्षेत्र डिग के मॉडल गाँव सागर रायपुर को देखने। तो आइए आप भी चलिए हमारे साथ और देखिए एक मॉडल गांव। वाराणसी प्रयागराज रोड पर स्थित गोपीगंज बाजार से दक्षिण की तरफ लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है ग्राम सभा सागर रायपुर। यह है जनपद भदोही के विकास क्षेत्र डीग का गांव सागर रायपुर। ग्राम पंचायत सागर रायपुर में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया गया। शौचालय इस मिशन की पहली प्राथमिकता में रहा है। ग्रामीण इन शौचालयों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कि गांव में साफ सफाई दिखती है। ग्राम पंचायत को एक सचिवालय के रूप में संचालित करने के उद्देश्य से अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त ग्राम पंचायत भवन का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। ग्राम पंचायत और पंचायत राज विभाग की सक्रियता से कई योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सागर रायपुर में किया गया है। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को चरितार्थ करने के लिए ग्राम पंचायतों में तमाम एसेट्स वगैरह वो क्रिएट किए जा रहे हैं और स्वच्छ भारत मिशन में खुले में शौच मुक्तता जो है वो भी बिना ग्राम पंचायत के इन्वॉल्वमेंट के संभव नहीं है। तो इस तरीके से भदोही के लगभग हर ग्राम पंचायतों में हम लोग ग्रामवासियों को सरकार के सारे कार्यक्रमों में उनका समावेश हो, उसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। उसमें अभी फिलहाल जो दो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हर ग्राम पंचायत में कम से कम एक पंचायत भवन हो जहाँ पर गाँव वाले अपने विकास की योजना खुद बनाएँ। तो इस तरह से ये प्रयास किया जा रहा है। अभी ये गांव जो डीग ब्लॉक का एक गांव है जहां पे ये सारी चीज़ें यहां पे उपलब्ध कराई गई हैं और इसी तरीके से जनपद के हर ग्राम पंचायतों में हम लोग ग्राम सभा सचिवालय एक सेक्रेटेरिएट टाइप का ग्राम पंचायत सेक्रेटेरिएट ऐसा कुछ विकसित कर रहे हैं। उसमें नेट वगैरह की भी सारी सुविधाएँ हम लोग उसको देंगे और पूरा मिला के ये होना चाहिए कि सरकार की योजनाओं से ग्राम पंचायत में रहने वाले हर व्यक्ति वो जागरूक हो सकें, उसको जान सकें, समझ सकें, अपना फीडबैक दे सकें, आपस में एक जगह इकट्ठा होकर के गाँव के विकास की जो बेहतरीन से बेहतरीन प्रविधि के बारे में जानकारी करें और अपनी योजना अपने से बनाएं। ग्राम पंचायत सागर रायपुर में कई तालाबों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार कराकर बड़े पैमाने पर तालाबों के चारों तरफ वृक्षारोपण किया गया है। गांव के तालाब जल संरक्षण का माध्यम बन चुके हैं। भूगर्भ जल संरक्षण के लिए भी काम किए गए हैं। विकास खंड के जनपद भदोही में मनरेगा के तहत तालाब की खुदाई हुई है तथा बगल बगल वृक्षारोपण कार्य कराया गया है तथा सामुदायिक शौचालय भी 98 गांव में 65 गांव में काम प्रगति पे है और 31 गांव में पंचायत भवन नहीं था उस पर भी 5 गांव प्रारंभ है। शेष कार्य चलाया जा रहा है और इसको सागर रायपुर के उस पर स्कूल विद्यालय वगैरह भी पूरा किया जाएगा। ग्राम पंचायत सागर रायपुर में पंचायत विभाग के सहयोग से 6 किलोमीटर लंबी नाली का निर्माण कराकर किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
जिससे कि किसान अधिक उपज प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन सके। सागर रायपुर गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय का विकास कायाकल्प योजना के तहत किया गया है। प्राथमिक विद्यालय के परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र, शौचालय और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था भी की गई है। गांव के सभी विद्यालयों में वृक्षारोपण कराकर पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। विद्यालय परिसर को सुदृढ़ करने के लिए ग्राम पंचायत ने अपने पास उपलब्ध धनराशि से काफ़ी कार्य कराए हैं। भवन का सुदृढ़ीकरण, बैठने की व्यवस्था, परिसर को हरा भरा रखने के लिए और परिसर में गंदगी न हो इसके लिए इंटरलॉकिंग का कार्य कराया गया है। शौचालय सुदृढ़ कराए गए हैं। पेयजल की हैंड वॉश की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसी तरह से अनेक ग्राम पंचायतों में भी कार्य हुए हैं। जनपद भदोही के सागर रायपुर गांव में आने जाने के सभी रास्तों का निर्माण खड़ंजा, इंटरलॉकिंग और कंक्रीट से किया जा चुका है, जिससे कि आवागमन में ग्रामीणों को सुविधा हो सके। ग्राम पंचायत में आने जाने के लिए हर गली में जो है खड़ंजा इंटरलॉकिंग की व्यवस्था करा दी गई है। जल निकासी के लिए पक्की नाली, बंद नाली की व्यवस्था करा दी गई है। साफ सफाई की व्यवस्था करा दी गई है। पेयजल के लिए हैंडपम्प या अन्य व्यवस्था, कुछ कूप ऐसे थे जो जिसकी जीर्णोद्धार करा करके उसकी भी व्यवस्था सर करा दी गई है। और इसके साथ ही साथ व्यक्तिगत शौचालय के अंतर्गत जो है सभी लोगों के लिए शौचालय की व्यवस्था करा दी गई है, जिसका उपयोग कर रहे हैं लोग। ग्राम पंचायत सागर रायपुर में शुद्ध पेयजल के लिए जगह जगह हैंडपम्प लगवाए गए हैं। साथ ही सौर ऊर्जा से संचालित लैंप की व्यवस्था भी की गई है। स्वच्छता को लेकर हर सैटरडे संडे को जो है जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार साफ सफाई किया जा रहा है। उसके बाद लोगों को प्रेरित भी किया जा रहा है कि यहाँ पे सड़क सैनिटाइज़र, उसके बाद सारी जो है सुविधाएं जो है यहाँ पे साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा हर चीज़ किया जा रहा है, क्योंकि गंदगी ना फैले। अपने गांव को तथा विकास करते हैं, पंचायत भवन बनाए हैं, अपना आवास बनवाए हैं और शौचालय बनवाए हैं। उसके बाद सफाई कर रहे हैं और तालाब खरीदवाई है। जनपद भदोही के सागर रायपुर ग्राम पंचायत में कमोबेश सभी आधारभूत संरचनाओं को विकसित कर एक मॉडल गांव बनाया गया है। योजनाओं के सही क्रियान्वयन और अधिकारियों की मेहनत एवं लगन से बनते हैं मॉडल गांव।